वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज में प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट पार्ट सॉल्व एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी से है वो कंपटीशन प्रोफाइल वाले क्वेश्चंस में अलग से वीडियो में अपलोड करूंगा। सो बच्चों, लेक्चर 11 मोशन इन ए प्लेन जो फंडामेंटल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, और अभी जो है एग्जाम्पल 4.7 देखना है हमको। गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस, जो किताब का उसका नाम है, स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल, प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो जस्ट पहले हमने रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चों, और मैक्सिमम रेंज निकाली थी। रेंज का फॉर्मूला v0² sin 2θ0 / g, या अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को u मान लें तो u² sin 2θ / g, और जब sin 2 थीटा 1 हो जाएगा यानी थीटा 45, तो मैक्सिमम रेंज u² / g या v0² / g। तो हमें ये दिखाना है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च विद वेलोसिटी v0 एट एन एंगल थीटा 0, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है। नाउ फॉर द एंगल्स 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा, यानी बराबर अमाउंट में बड़े हैं या छोटे हैं, 2 थीटा 0 बिकम्स 90 प्लस 2 अल्फा एंड 90 माइनस 2 अल्फा रिस्पेक्टिवली। द वैल्यूज ऑफ साइन 90 प्लस 2 अल्फा एंड साइन 90 माइनस 2 अल्फा आर द सेम, दोनों वैल्यूज सेम होती है, इक्वल टू दैट ऑफ कॉस 2 अल्फा। Therefore, ranges are equal for elevations which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts alpha, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको अलग तरह से मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, पाई माइनस थीटा करके, और यहाँ पर जो है ये 90 माइनस करके हमने बताया। तो तरीका अलग है रिप्रेजेंट करने का। सो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि गैलीलियो ने जो अपनी किताब में लिखा था, फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स, तो अल्फा वो अमाउंट है इक्वल, तो जो 45 से अल्फा टाइम्स 45 में अल्फा जोड़ने पर मिलेगा एंगल, और जो 45 में से अल्फा घटाने पर मिलेगा, इन दोनों एलिवेशंस के लिए रेंज विल बी सेम। जैसे कि 30 एंड 60 ये पेयर है, 15 डिग्री एंड 75, और ऐसे हम और भी पेयर निकाल सकते हैं। Example 4.8, a hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground. तो पहाड़ की चोटी पर एक खड़ा है, 490 मीटर ऊंची वो चोटी है, वहां से वो एक पत्थर फेंकता है, throws a stone horizontally, बिल्कुल ऐसे सीधा along horizontal वो फेंक रहा है, with an initial speed of 15 meter per second, हमारे पास u या v0 जिसको कहते हैं वो है, neglecting air resistance, ये assumption है, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। अब दो तरीके से किया जा सकता है, या तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करूं, या फिर इसके मोशन को मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर दूं, अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल, दोनों ही तरीके से इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। आपको जिससे भी आसान लगे आप कर सकते हैं, जिससे आपको कम समय लगे वो मेथड आपको फॉलो करना चाहिए। सो वी चूज द ओरिजिन ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस एट द एज ऑफ द क्लिफ एंड टी इक्वल टू 0 सेकंड एट द इंस्टेंट द स्टोन इज थ्रोन। डायग्राम बना लेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा, डायग्राम से समझना आसान रहेगा। चूज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टू बी अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस टू बी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमने मान लिया। द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मोशन कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखूंगा तो एक्स टी हो गया एक्स जीरो प्लस यानी एज इक्वल टू xt जो है x0 में इनिशियल पोजीशन में अगर मैं जोड़ दूंगा डिस्प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और yt निकालेंगे तो वहां एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन हमें लगानी पड़ेगी, यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर से मैं लिखूंगा y के लिए, तो y फंक्शन ऑफ टाइम y0 प्लस v0 y * t प्लस हाफ ay * t स्क्वायर। x0 y0 दोनों 0 हैं, v0 y क्योंकि हमने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी ही नहीं है उसको, तो वो जीरो है,
इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज माइनस जी, जो कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ले सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार 10 लिखा होता है तो आप 10 ले सकते हैं, अदरवाइज आपको 9.8 लेकर काम करना है। V0x 15 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। स्टोन हिट्स द ग्राउंड व्हेन yt बिकम्स -490। ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं बच्चों कि कैसे ये सिचुएशन है। तो अगर मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं, यहाँ तो नहीं दिखा मुझे डायग्राम, तो मैं डायग्राम अगर बनाकर दिखाऊं, इट विल लुक लाइक दिस। ये जो है हम कह सकते हैं कि अभी ये वर्क नहीं कर रहा, ओके। तो इमेजिन अगर आप कर सकते हैं, तो हमने सीधा फेंका जैसे वो टॉप ऑफ द क्लिप से ऑब्जेक्ट को, तो अगर मैं कंसिडर करता हूं, मैं इसको ओके स्टूडेंट, द सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। ये क्लिफ जिसकी हाइट है 490 मीटर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दिस इज ग्राउंड, और यहां से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है अलोंग हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी दी गई इसको 15 मीटर पर सेकेंड। जहां जाकर ये गिरेगा ग्राउंड पे, इट विल फॉलो दिस ट्रेजेक्ट्री, इस तरह से जाएगा, कुछ एंगल पे टकराएगा, ये वर्टिकल नहीं होगा बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ एंगल रहेगा। कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी के, एक तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है और एक टाइम निकालना है, कितनी दूर वो जा रहा है और कितना टाइम उसे लगेगा यहां तक पहुंचने में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं, क्योंकि जब भी हम यहां पर कोऑर्डिनेट्स लेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी है, तो हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है उसके कोऑर्डिनेट लेंगे 0 0, तो उसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, तो एक्स कोऑर्डिनेट माना कि एक्स है, एक्स डिस्टेंस पर गिर रहा है जाकर, तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट जो है ये नीचे आ गया है 490 मीटर से, तो मैं उसको लिखूंगा -490, और अब मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो अब हम यहां समझ पाएंगे जो लैंग्वेज में दिया है यहां पे, तो स्टोन हिट्स द ग्राउंड व्हेन yt इज -490, तो हमने yt की जगह -490 रखा, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, उसको हमने y0 को भी 0 रखा, v0 y को भी 0 रखा, बस ये हाफ ए वाई टी स्क्वायर बचा, तो -half इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, यहां से टी की वैल्यू हमें मिलती है 10 सेकेंड। अब टाइम तो मिल गया 10 सेकंड में वो हिट करेगा, द वेलोसिटी कंपोनेंट्स vx जो है वो पूरे टाइम vx ही रहने वाला है, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी दूर वो जाएगा हम पता कर सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट हमें पता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी स्पीड इलेक्ट्रॉन के हम निकाल सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at, ये हमने लगाई इक्वेशन। अच्छा, x कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं पूछा है, पूछा होता तो वो भी निकाल सकते थे। अगर हम क्वेश्चन को वापस से देखें कि क्या क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, डिस्टेंस नहीं पूछी है, ठीक है, तो x नहीं निकालना है हमको, तो स्पीड निकालने के लिए डायरेक्शन हमको नहीं चाहिए, अगर वेलोसिटी पूछी होती बच्चों तो डायरेक्शन भी हम निकालते हैं। तो ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा और ये -98, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमें 99 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अगर दूसरी तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, इसका सॉल्यूशन, तो देखिए क्या क्या हम यहाँ पता कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे लगाता हूँ, जो होती है y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ पर पहली बात थीटा कितना है, थीटा हमें देख रहा है 0 डिग्री है, जीरो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 0 डिग्री, तो ये टर्म तो 0 हो गई, दिस टर्म बिकम्स 0 क्योंकि tan 0 इज 0। इक्वेशन रिड्यूस हो गया हमारे पास, y की मैंने वैल्यू रखी है -490 = g की वैल्यू रखी हमने 9.8, और दोबारा से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, x पता करना है, x इज अननोन तो हम x निकाल पाएंगे, ट्वाइस ऑफ u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, तो ये है 15 का स्क्वेयर यानी 225 यहाँ आ जाएगा, cos स्क्वेयर थीटा क्योंकि 0 डिग्री है तो ये 1 का स्क्वेयर ये 1 रहेगा, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों x, अगर x कोऑर्डिनेट पूछा होता आपसे कितनी दूर जाकर गिरेगा तो हम x निकाल सकते थे, और वेलोसिटी जैसे निकाली है वैसे निकाली जाएगी, और टाइम जैसे निकाला है वैसे ही कैलकुलेट होगा, यानी वर्टिकल मोशन हम कंसिडर करें 490 मीटर्स को नीचे जाना है वहाँ से टाइम आ जाएगा, और वेलोसिटी निकालने के लिए जो ये कुछ एंगल पर इस तरह से गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, इनका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे वेलोसिटी के लिए। तो आप दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल 4.9 देखते हैं। एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबो द हॉरिजॉन्टल। फिर से डायग्राम मिसिंग है बच्चों, डायग्राम नहीं है, डायग्राम बना लेंगे तो आसान हो जाएगा काम। 30 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सीधे फॉर्मूला अप्लाई करने आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय, हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, रिजल्ट सामने है। टाइम टेकन हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दिया 2u sin θ / g, उससे हमें रिजल्ट मिल रहा है, कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, आप कर सकते हैं इजिली। डिस्टेंस के लिए हमने रेंज का फॉर्मूला लगा दिया u² sin 2θ / g, तो उससे हमें रेंज मिल गई। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए आप इसको करें जरूर। जो अच्छे और क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज में, अच्छे मीन्स थोड़ा दिमाग जिसमें लगेगा, तो वो हम अटेम्प्ट करेंगे अभी आगे के लेक्चर में। इसको समझ लेते हैं, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस व्हाट डज द अजम्पशन रियली मीन, इसका मतलब क्या है। व्हाइल ट्रीटिंग द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव स्टेटेड दैट वी अज्यूम दैट द एयर रेजिस्टेंस हैज नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द स्टेटमेंट रियली मीन्स। एक्चुअल में बच्चों हवा का तो बहुत फर्क पड़ता है, आपको पता है जो तीरंदाजी करते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, जो गन चलाते हैं राइफल, मतलब निशानेबाज होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट जब वो शूट करते हैं तो उन्हें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है हवा किस तरफ चल रही है, किस वेलोसिटी से चल रही है, उसका इम्पैक्ट आता है उनके निशाने पर। तो जिन भी बच्चों ने फिल्म देखी है सांड की आंख, या ऐसी कोई अंग्रेजी फिल्में देखी है जिसमें स्नाइपर शॉट लगा रहा है यानी शूट कर रहा है, तो ये हवा जो है वो मैटर करती है। तो हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस में एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया है। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द स्टेटमेंट रियली मीन्स। फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, क्योंकि एयर फ्लूइड है, एयर रेजिस्टेंस आर ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ सच फोर्सेस अपोजिंग मोशन एनी ऑब्जेक्ट विल लूज सम पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी एंड कॉन्सिक्वेंटली मोमेंटम टू। Thus, a projectile that traverses a parabolic path would certainly show deviation from its idealized trajectory. Uske bajaye kisi aur path pe chalega wo. In the presence of air resistance, it will not hit the ground with the same speed. Speed pe bhi fark aayega with which it was projected from it. In the absence of air resistance, the x component of velocity remains constant, and it is only the y component that undergoes a continuous change. However, in the presence of air resistance, both of these would get affected. अभी हमने क्या माना था? X component constant. पर अगर air resistance मानेंगे तो दोनों component affect होंगे. That would mean that the range would be less than the one given by equation 4.43. Maximum height attained would also be less, क्योंकि air resistance रोकेगा, बाधा की तरह काम करेगा, than that predicted by equation 4.42. Can you then anticipate the change in the time of flight?
तो वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कितना है उसके बेसिस पर। एडवांस लेवल पर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें इसको कंसिडर करके डिसिपेटिव फोर्स को भी उसके लिए अकाउंटिंग सीखते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड एयर रेजिस्टेंस वी विल हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम और अंडर लो प्रेशर विच इज़ नॉट ईजी। When we use a phrase like neglect air resistance, we imply that the change in parameters such as range, height, etc. is much smaller than their values without air resistance. The calculation without air resistance is much simpler than that with air resistance. तो बच्चों ये जो assumption है उसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर हवा है तो उसकी वजह से जो changes आएंगे those changes are negligible. So those changes were considered negligible during the calculation. अच्छा, अब इसमें ग्रेविटी का भी इफेक्ट आता है, यहाँ भी मेंशन नहीं है, कहीं और मेंशन रहेगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, पर हमने यहाँ पर उसको भी सेम माना हुआ है, उसमें चेंज को भी हमने नेग्लेक्ट किया है। इसका एक कॉन्सिक्वेंस जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं ये बता दूँ, जैसे किसी शिकारी ने किसी बंदर पर गोली चलाई उसको एम करके जो कि पेड़ पे लटका हुआ है, जिस क्षण गोली चलती है, ये हम मोशन में पढ़ेंगे, इसमें लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जिस क्षण गोली चलती है उसी क्षण एट द सेम इंस्टेंट बंदर जो है उस डाली को छोड़ देता है नीचे गिरने के लिए, उसका भी फ्री फॉल हो रहा है। गोली जो चल रही है उस पर भी MG काम कर रहा है, उसका भी फ्री फॉल हो रहा है, तो बुलेट बंदर को जाकर हिट करेगी। पर अगर वहाँ कोई चिड़िया बैठी है डाली पर और वो वहीं बैठी रह रही है तो गोली चलाते वक्त ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा ऊपर एम करके चलाना होगा तब जाकर, क्योंकि गोली में जी का इम्पैक्ट आएगा, MG की वजह से थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे। थैंक यू।